रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। इट्स योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ जूलॉजी एंड टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन बायोलॉजी, व्हाट आर द एप्लीकेशन व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर वेलफेयर ऑफ बायोलॉजी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। Okay, so first application of biology is immunization by vaccination. Immunization by vaccination. So first vaccination was discovered by or introduced by Edward Jenner. Edward Jenner. इसको हम E. Jenner भी बोलते हैं, ठीक है? In 1795. Applications of biology में हम वो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले मतलब जो है वो क्या की गई, इंसान की भलाई के लिए इंट्रोड्यूस की गई। तो सबसे पहली जो वैक्सीन है, ठीक है, वो किसने डिस्कवर्ड की? एडवर्ड जेनर ने 1795 में। सो फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1905। इससे पहले वैक्सीनेशन नहीं थी, तो इन बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं था, ठीक है, लेकिन एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस की थी 1795 में फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है। एंड इम्यूनाइजेशन मींस के इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए जो कोई भी वैक्सीन वगैरह इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वैक्सीन है, इसके ज़रिए क्या किया गया था, मैन और प्लांट, ठीक है, दोनों के जो बीमारियां हैं उनको क्या किया गया, प्रिवेंट किया गया, ठीक है। सो थ्रू दिस प्रोसेस वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस टू द एनिमल्स एंड प्लांट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूस फर्स्ट वैक्सीन। व्हाई ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट वैक्सीन? टू प्रिवेंट फ्रॉम सो मैनी काइंड ऑफ डिजीजेस। ओके, तो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी सबसे पहली वैक्सीन किस लिए, कि ताकि वो क्या कर सके, बहुत सारी बीमारियों को रोक सके। किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। क्या डिस्कवर की थी? वैक्सीन डिस्कवर की थी। ओके, ही हैड डिस्कवर्ड सो मेनी काइंड, ही हैड डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन, ओके, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो द फर्स्ट वैक्सीन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडवर्ड जेनर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द सो मेनी इन्फेक्शियस डिजीज सच एज पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ATC, ओके। सो ये जितनी भी डिजीजेज है, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये बहुत सारी जो जितनी भी डिजीजेज है, ये लाइफ लॉन्ग डिजीजेज है। पहले जो इनका बिल्कुल भी इलाज नहीं था, ठीक है, पोलियो का, स्मॉल पॉक्स का या हेपेटाइटिस का, लेकिन अब जो है वैक्सीन के जो है मतलब जो है जब वैक्सीन क्या हुई जब वैक्सीन ईजाद हुई तो उसके बाद ये सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं, ठीक है, थीके? किसकी वजह से? जब हम अगर हम इन सब की पहले से ही वैक्सीनेशन करा लेंगे तो हम जो है इन बीमारियों से बच सकेंगे, ठीक है। तो पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। कौन से ईयर में? 1795 में। ओके, देन द सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स। नाउ व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द substances. What are antibiotics? These are the substances which in low concentration inhibit the growth of microorganisms. Microorganisms. Okay, so antibiotics, what is the function of antibiotics? They inhibit the growth of microorganisms. यानी कि एंटीबायोटिक्स की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ती है वो क्या हो जाती है?
रुक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स थी, ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द फंगस, जो कि किस में से ली गई थी? एक फंगस में से। ओके, सो फंगस में से जो पहली एंटीबायोटिक ली गई थी, ठीक है, उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन उसका नाम है, ठीक है, और पेनिसिलिन और फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलिन नोटेटम। व्हाट इज द नेम ऑफ फंगस? पेनिसिलिन नोटेटम। एंड उसके बाद जो इसकी डिस्कवरी है, ठीक है, जो क्रेडिट गया है इसकी डिस्कवरी का, ठीक है, क्रेडिट जाता है किसको? फ्लेमिंग फ्लोरी एंड चेन को। ठीक है, क्रेडिट किसको गया है इसकी, यानी कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तीन साइंटिस्ट ने, फ्लेमिंग फ्लोरी एंड चेन। ओके, फ्लेमिंग फ्लोरी एंड चेन, इन्होंने क्या किया था? पहली जो एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन, किस में से ली थी? फंगस में से। फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, उसमें से ये क्या की थी? डिस्कवर की थी। ठीक है, अब इसके ज़रिए ड्यू टू दीज एंटीबायोटिक्स, इन एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं। ठीक है, कौन सी बीमारियों को? जैसे कि टीबी है, पहले टीबी का इलाज नहीं होता था, ठीक है, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स दिस टीबी कैन बी कंट्रोल। ठीक है, सो टीबी, उसके बाद लेप्रोसी, ओके, एंथ्रेक्स, सो दीज, ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको क्या किया गया? रोका गया। किसकी वजह से? इस एंटीबायोटिक की वजह से। ओके, देन है हमारे पास रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इज आल्सो अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन ट्रीट द डिजीजेस। सो वी यूज रेडियो एक्टिव रेस, एक्सरेस और रेडियो एक्टिव रेस। ओके, सो रेडियो एक्टिव रेस After the achievement of biological research have been used in medical science for what? To diagnose and treatment of human diseases. To diagnose and treatment of human diseases. Okay? Treatment of human disease with the help of X-rays or the radioactive rays. So, tumors and cancers can be treated through the radiotherapy. Cancers and tumors, they can be treated with the help of radiotherapy. Okay, here is another chemotherapy. It means treatment with the help of chemical. This is a treatment with the help of rays and this is a treatment with the help of chemicals. It means chemicals are used to diagnose, to treat the diseases, dangerous diseases. So this is also an advance of achievement of the medical science. Biologists have still are busy in developing medicine to tackle the problems. Okay, they are concerning with our health. So chemotherapy, with the help of chemotherapy, treatment of diseases such as AIDS or the cancers can be treated. Cancers or AIDS. What is AIDS? Acquired immunodeficiency.